हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन ओमेगा रूबी वर्जन। चापे गए थे पिछली बार हम लोगों ने हमारे डेल्टा एपिसोड्स दोस्तों कंप्लीट किए थे एंड यस आज से यार हमारा प्रॉपर पोस्ट गेम जो है वो शुरू हो चुका है। पता नहीं कैसा यहाँ पर आपने आगे से क्या होने वाला है। लास्ट टाइम यार हमने दुनिया को बचा लिया था, आप लोगों को पता ही है, डियोक्स इसको कैच कर लिया था विद दी मास्टर बॉल। तो यस आज ना मैं यहाँ पे आप लोगों को रेक्वाजो को दिखाना भूल ही गया यार, क्योंकि लास्ट टाइम हम रेक्वाजो को मैं दिखाना ही भूल गया। सो यस लेवल 70 का है हमारा रेक्वाजा, उसके पास मेगा रेक्वाजा का स्टोन भी है। सो लेट्स गो गाइस, ना यहाँ से अभी मैं चलता हूँ अपना आगे के, देखते हैं कि क्या आने वाला है हमारी एडवेंचर में। लेट्स गो। ओके हाय डैड। ओह मॉर्निंग ध्रुव, ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा अब घंटों से सो रहे थे। यस काफी ज्यादा काम किया ना। ओह मैं तो भूल ही गया, ये तुम्हारे लिए आया था, कोई तो ब्रायन नाम के बंदे ने यहाँ पे छोड़ गया। हाँ ब्रायन ने हमें दिए हैं SS टिकेट। ओके शुक्रिया ब्रायन। और ये है फेरी टिकट एज अ रिकॉल, यू तुम इस फेरी टिकट को स्लेटपोर्ट नहीं तो ये लिली कॉफ से ले सकते हो। ध्रुव अगर तुम एम्बिशियस ट्रेनर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम फेरी लो टू दी बैटल रिजॉर्ट। आई थिंक अगर तुम्हें ट्रेनर बन अच्छा ट्रेनर बनना है तो नो तुम्हें वहाँ पे ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो मैं अभी पेटलबर्ग जिम के लिए निकलता हूँ। बाय बाय डैड। थैंक यू हमारे घर का ख्याल रखने के लिए हनी। तुम्हारे डैड वो कल ही काम के लिए अपना घर कल भेज देते हैं मुझे लगता है, बट मुझे यहाँ से अभी चल जाना चाहिए। यस वो काम करते हैं मुझे अच्छा लगता है। ओके सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं बाहर की तरफ। ओके भी क्या हुआ, किसको मदद चाहिए? सच में क्या गलती से मैंने गेम रिस्टार्ट कर दिया क्या? बट नहीं यार। ओ ध्रुव मेरी मदद करो, मेरे पास पोकी बॉल्स है मेरे बैग में। ए कौन से पकवान मिलने वाला है अभी? ओके कौन है मुझे देखना है। जोटो रीजन से पोकेमोन, थोड़ा टफ डिसीजन है बट मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टोटोडाइल के साथ, क्योंकि चिकोरिटा के साथ तो मैंने कभी ट्रेनिंग की, बट टोटोडाइल के साथ मैंने कभी ज्यादा ट्रेनिंग की नहीं है। ओ माय माय, शुरू में इतना नहीं होता फियर्स नहीं था, आई श्योर कि तुमने मेरी मदद की होती। ओके इनफैक्ट क्यों ना तुम इस पोकेमोन को रख सकते हो, ये है जोटो रीजन्स की तरफ से। ओके सो हमें मिल चुका है गाइस टोटोडाइल, बट हम इसका निकने नहीं देने वाले हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पीसी में जाने वाला है। वेल मैं तुम बाद में मिलता हूँ, सो मुझे अभी थोड़ा काम करना है। ओके तो शुरू में शायद वो जा चुके हैं, मतलब कि यार क्या है यार अच्छी नहीं प्रोफेसर बर्च प्रोफेसर है पोकेमोन की यार रिसर्च करते हैं, बट गाइस उनको पोकेमोन के बारे में पोकेमोन को संभाल नहीं सकते, क्या मजाक है यार। हाँ अभी थोड़ा सा हमें एपिसोड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, तो अभी हम जाने वाले हैं स्लेटपोर्ट सिटी के लिए। जी हाँ गाइस यार स्लेटपोर्ट सिटी में जाके वो फेरी कैचअप करनी है, बट बिफोर दैट गाइस ना मुझे अपना पोकेमोन भी डिपॉजिट करना है जो कि है अपना गाइस यार रेक्वाजा, अपने इसको लेकर आना है गाइस यार यहाँ पर आप लोग इरप्ट को लेकर आना है, काफी दिन हो गए इरप्ट को हम लेकर नहीं आए। इरप्ट वो भी बेचारा पीसी में अकेले अकेले बोर हुआ होगा, बोल रहा होगा कि यार मैं हर वक्त मैं ही क्यों जाता हूँ पीसी में, क्योंकि यार जब से जब लाटियोस का भी एपिसोड था तभी मैंने इरप्ट को ही भेजा था, मतलब कि तब वो छोटा था नमिल था तभी मैंने उसको ही भेजा था एंड अभी भी मैंने उसको ही भेजा, मतलब कि यार मैं इरप्ट को क्यों भेजता हूँ ना, कि इरप्ट के यहाँ पर अच्छे स्टैट्स हैं, इरप्ट वन हिट डाउन कर सकता है, बट बाकी के जो पोकेमोन से उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मुझे भरोसा देते हैं। इरप्ट के पास तो अभी मैंने अपना लावा प्लब भी भुला दिया हूँ, तो इतना ज़्यादा अभी मैं मुझे इतनी ज़रूरत है नहीं इरप्ट की, बट अभी मैंने उसको अपने पीसी में फिर से बुला लिया है। अपनी पुरानी टीम को लेकर चलते हैं गाइज़र यहाँ पर अभी, तो लेट्स गो। अभी मैं यार मैंने अपना टाइम तो चेंज किया था, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर रात हो गई है, बट राइट नाउ इट्स 9 o'clock, बट मैंने शायद गलती से ना वो PM कर दिया है, अभी मैंने AM कर दिया था फिर से, बट वो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है ना जब हम क्लोज करके फिर से इस गेम को ऑन करेंगे ना तभी आई गेस जो टाइम है फिर से रिटर्न टू बैक टू इट्स वर्क आ जाएगा। तो फेरी आ चुकी है यहाँ पे SSN की। ओके तो हम यहाँ पे शो कर दी है। ओके अभी हमें कहाँ पे जाना है, दी बैटल रिजॉर्ट, यस लिलिको सिटी नहीं जाना है यहाँ पे, तो लेट्स गो टू दी बैटल रिजॉर्ट।
लेट्स डू इट गाइस। यहाँ पर अभी हम चले जाते हैं सीधा बैटल रिजॉर्ट में। एनिमेशन नहीं है क्या? अरे यार एनिमेशन होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती थी, बट एनिमेशन यार है ही नहीं। हाँ बट चले जाता है, चलता है यार, इतना तो हम सह लेंगे। सो यस अभी हम आ चुके हैं। ओके ओ वैली, हे जो तुम आ गए। मिस्टर नॉर्मन ने मुझे ये टिकट दी थी एज वेल। मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले आया। ये है बैटल रिजॉर्ट, ये ट्रॉपिकल पैराडाइज है, सिर्फ लकी ही यहाँ पे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे काफी ज्यादा पंप अप हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। ओके क्या क्या है यहाँ पे? ओ मैं आपसे बात मिल रही हूँ आजी। वेट ऑन ब्रो, ओहो मैं अपना ध्यान रख लूंगा जब तो तुम बाहर से हो। भाई साहब अच्छा वहले यार, इतना बच्चे ने यहाँ पे इन लोगों को इतना धक्का दे दिया। ये माफ कर दिए मैम सर, मुझे बाहर से भाग के वजह। ओहो मैम, ओहो इंटरेस्टिंग। व्हाट क्या वो प्रैटा, मैं मिस हूँ ना कि मैम? ओ ऐसा लगता है कि वो बच्चा ऑनेस्ट बच्चा था। ओहो ये वो बच्चा है ना? हाँ या यही वो ट्रेनर है जिसने ग्रोडॉन और टीम मैग्मा को स्टॉप कर दिया था। ओ तो तुम यहाँ पे, वो तुम्हारा दोस्त था क्या? ओ वो अभी पास हुआ, बट मुझे एक उसमें अलग सी आग दिखी, वो एक ट्रेनर होगा। ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी फिर से उसे बैटल कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ऐसा लगता है कि ये वेस्ट नहीं था यहाँ पे आके, आफ्टर ऑल ऐसा लगता है कि छोटा पुलिस से मेरी वो यादें ताजा हो गई है। तुम्हें पता है हम स्लामर स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड है। जब मैंने उसे देखा था, मेरी और मेरे क्रू ने उसने रोकने की कोशिश करी। ये स्ट्रेच ठीक नहीं है, बट हमने कायगर को रिवाइव करने की कोशिश करना चाहते थे। ओके तो हमारे पावर के लिए, तुम्हें पता है मुझे वहां पे जाना है, वो दुनिया कैसी होगी? साउंड फन। ये नॉनसेंस है अफोर्स, वो जगह जाने के लिए अच्छी नहीं है, वहां पे तुम लोग नहीं जा सकते। इसलिए बिकॉज अगर हमें कभी भी कभी हमें हमारे ड्रीम से रियल नहीं हो सकते राइट? बट अगर हमें यहाँ से भाग के उतर नहीं जाना चाहिए, आई थिंक मैं तुम्हें दे देता हूँ मेट। क्या ब्रो? ओके क्या मिला है हमें? ओ शार्पीडो नाइट, ओके ये अच्छी बात है। ओके सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर हमें शार्पीडो नाइट मिल चुका है और मैं तुम्हें अंदर की तरफ मिल जाऊंगा। सी यू देन। ओके सो यहाँ पे आर्ची जा चुका है। वो काफी ज्यादा यहाँ पे चिंता में थे, बट मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो शायद अंदर और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए चले गए हैं। कैसा होगा हम उन्हें बाद में मिलते हैं। ओके ओहो ये फोन था, तुम्हें पता है ना। चलो गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं। ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ पर आरजी से भी हमें शार्पीडो नाइट मिल चुका है, बट हमारे पास शार्पीडो तो है नहीं, हमारे पास यार अपना हाइड्रो किंग है। तो लेट्स गो गाइस यहाँ पर अभी हम चलते हैं। ओके रात हो गई है गाइस यहाँ पर काफी, बट मैंने यार गलती से टाइम चेंज कर दिया ना उस वजह से। ओके वाओ इनक्रेडिबल। ए क्या तुम स्पेक्टेटर्स नहीं लगते, तुम ट्रेनर्स होंगे जो यहाँ पे बैटल्स चैलेंज करने के लिए आए हैं करेक्ट? चैलेंज? ओह तुम्हें पता है ना बैटल रिजॉर्ट दो टाइप्स में डिवाइड हो चुका है, जो बैटल से देखने आते हैं और जो बैटल करने आते हैं। ये राइट है, बट हम बैटल कहां पे कर सकते हैं? ओ तुम्हें पता नहीं है बैटल मेंशन? नहीं प्लीज। ओ माय ओके तो ये तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करा देता हूं। मेक श्योर कि तुम बैटल मेंशन के टॉप फ्लोर पर चेक करने के लिए जरूर आओ। थैंक यू सो मच, हम जरूर आएंगे। गुड रिप्लाई नाइस एटीट्यूड, ये तुम रख सकते हो। ओके सो वर्सेस रिकॉर्डर हमें मिल चुका है, इसे हम जो बैटल्स हम करेंगे अगर इसे हमने एक्टिवेट कर दिया तो हम हमारे पुराने बैटल्स भी देख सकते हैं गाइज, इसका हमें पता चल चुका है। सो ओके तो ओके लेट्स गो। यस ये अमेजिंग साउंड कर रहा है, मैं जरूर आके चेक करूंगा।
ओके सो लेट्स गो गाइस, ना यहाँ पर अभी हमने चेक कर लिया है तो बैटल रिसोर्ट में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ एंड अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा गाइस। बट उसी दौरान मुझे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ओके मैं की रसोंगी वहाँ पे कौन से ट्रेनर्स आएंगे? यस मुझे वहाँ पे चेक करना है जरूर। तो मैं तुम्हें अंदर की तरफ मिलूंगा। यस मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, बाय। आई होप कि हम फिर दोबारा से बैटल कर पाए इस रिसोर्ट में। देखते हैं यार ब्रो, पता नहीं इस बैटल रिसोर्ट में कुछ इतना ज़्यादा खास, हाँ बैटल्स हैं अगर हमें ट्रेनिंग करनी होगी तो, बट इट्स नॉट माई काइंड ऑफ माई थिंक, क्योंकि यार ऑलरेडी हमारे लिए हम काफ़ी ज़्यादा लेवल अप है ही एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला है नहीं हमारे लिए अगर देखा जाए तो, वो बी नोटेड दैट। उस वजह से गाइस यार यहाँ पर इतना ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग होने नहीं वाला है ये बैटल रिसोर्ट। तो एक बार मैं इसका थोड़ा सा टूर ले लेता हूँ, इतना बड़ा है ये यार ये। बट यार यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि यार मैं ऐसे चला रहा हूँ, अभी कैसे जाना है, अभी मुझे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ बट नहीं जा पा रहा अभी ऊपर। अरे क्या यार बटन्स हैं, मैं आप लोगों को जॉय पर नहीं दिखा सकता, बट मैं अभी ऊपर का बटन दबा रहा हूँ। ओहो समझ गया, अभी मैं नीचे का बटन दबाऊंगा तो हम आएंगे। ओके तो उल्टे हो चुके हैं अभी बटन्स, क्योंकि शायद हम उसके पीछे के साइड आ चुके हैं ना। ओके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार ये बैटल रिजॉर्ट, मैं ज़रूर इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा अगर हमें टाइम मिलेगा तो, क्योंकि यार मुझे ऑलरेडी अपना कॉन्टेस्ट कम्प्लीट करना है एंड देन यार लेजेंडरी हंटिंग करनी है एंड सेकेंड रन भी करना है। इतने सारे जो है वो डिफिकल्टी यहाँ पर हमें फेस करनी है, मतलब कि इतने सारे टास्क हमें कम्प्लीट करने हैं इस महीने में, मतलब कि आने वाले फरवरी महीने में। एंड टोटल अगर देखा जाए तो मैं कैलेंडर मुझे चेक करना होगा, जैसा कि मैंने ओमेगा रूबी में भी कहा था, फेनी फारस की वीडियो में भी कहा था कि मैं कैलेंडर चेक करने वाला हूँ कि हाँ, तो मैं इसमें भी गाइज़र चेक जरूर करूँगा कि टोटल हमारे कितने एपिसोड्स आने वाले हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गाइज़र इस यहाँ, तो हाँ यहाँ पर बैकग्राउंड प्ले बाद में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सेकेंड मोबाइल पड़ा ही है तो ये एक्सप्लोर करते करते देख लेते हैं गाइज़र यहाँ पर अभी कितने एपिसोड्स आएंगे हमारे फरवरी महीने में, अगर एक भी दिन का मैंने डे ऑफ नहीं लिया तो ओके 1 2 3 4 5 ओके गाइज यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 1 2 3 18 हो गए 19 20 21 22 23 और 24 ओके 24 एपिसोड आने वाले हैं हमारे इस पूरे के पूरे यहाँ पे गाइज कह सकती हो कि ओमेगा रूबी में नेक्स्ट मंथ। बट पता नहीं है इधर उनमें से अभी कितने जो है वो हमारे, अगर हमने एक भी दिन का डे ऑफ नहीं लिया तो आएंगे, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पर अभी रेगुलरली आएंगे भी या नहीं वीडियो ये महीने में। हाँ आ भी सकते हैं क्योंकि मैंने जनवरी महीना भी एक भी दिन का ऑफ नहीं लिया था, तो फरवरी महीने में क्यों लूँ, देखते हैं गाइज़र यहाँ पर। अब तक मैंने फिक्स किया नहीं है कि मैं एक भी दिन का डे ऑफ लूँगा या नहीं, देखते हैं गाइज़र यहाँ पर अभी। अगर डे ऑफ तो रहने की कोई बात तो है नहीं, बट हाँ आउट स्टेशन जाने वाला हूँ तो देखते हैं गाइज़र यहाँ पर 24 एपिसोड आएंगे, 24 एपिसोड में से हम अभी हैं यहाँ पे 43 पर, तो 24 प्लस 43 हो गए यहाँ पे 67 ऑलमोस्ट। ओके तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज आई गेस की कंप्लीट हो जाएगी अगर हम कह सकते हो कि कॉन्टेस्ट की बात की जाए तो। आप लोग को क्या लगता है मुझे कॉन्टेस्ट के एपिसोड लेकर आने चाहिए है या नहीं, वरना फिर मैं अभी नेक्स्ट गेम की प्लान करूंगा। तो मैं एक पोल कम्युनिटी डाल देता हूं गाइज़र आज के दिन कि मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं पोकेमॉन ओमेगा रूबी में, और इसके अलावा फिर मुझे अपने नेक्स्ट गेम की प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं, उसका मैं पोल डाल देता हूँ। अब तक रिलीज हो गया रहेगा, प्लीज़ अपने सजेशन दे दो एंड देखते हैं गाइज़र यहाँ पर अभी, नहीं तो इस वीडियो का कमेंट भी दे दो यार, मैं इस वीडियो का कमेंट भी डाल देता हूँ वो पोल अभी कि हमें रखना चाहिए नहीं, जिसमें ज़्यादा वोट जाएंगे उसको हम रखेंगे गाइज़र यहाँ पर अभी कॉन्टेस्ट का एपिसोड, क्योंकि यार कॉन्टेस्ट थोड़ा सा मतलब ये अच्छा पार्ट तो है बट यार काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट भी है कॉन्टेस्ट, इस यहाँ का कॉन्टेस्ट थोड़ा सा अलग है, देखते हैं यार अभी होगा क्या नहीं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ओके यार ये इन लोगों को शायद पता नहीं है बैटल रिजॉर्ट के बारे में, जो टीम मैगमैन टीम मैकवा का जो दो दो ग्रंट है, कि हम लोगों ने यार अभी इन लोगों का पूरा यूनाइट हो चुका है, ये लोग अभी कोई भी टेंशन की बात है नहीं, हम लोगों ने यार कायोगर को नहीं ग्रोडॉन को हमने शांत करा दिया है गाइस। तो इन लोगों को लगता है कि हमने शांत नहीं कराया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई,
शांत हो चुके हैं दोनों भी, तो आप लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं आराम से। तो मैं भी आप वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट एंड सिंपल एपिसोड पसंद आया हो। आई होप अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे फॉलो कर लीजिएगा गाइस, मेरे सोशल मीडिया नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ यार, कल से मैं थोड़ी सी ट्राई करूंगा कि लेजेंडरी हंटिंग हम स्टार्ट कर देंगे कल से हम। यस पक्का मैं स्टार्ट कर देने वाला हूँ लेजेंडरी हंटिंग, क्योंकि यहाँ पर तो रुकना कोई भी मतलब है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवॉर्ड हमें मिलने नहीं वाला। एंड आइटम्स मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई भी आगे की जर्नी में ज़रूरत होगी, क्योंकि वैसे भी ये गेम कह सकते हो कि 75% तो नहीं, हाँ 60% हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। 50% जब कंप्लीट कर दिया था, जब हम खेल रहे थे अपना जो ट्रेनर चैलेंज चैंपियन को हराने तक, 10% डेल्टा एपिसोड्स के थे। एंड 40% है अभी सेकेंड रन एंड देन दी लेजेंडरी हंटिंग। 25 पोकेमोन से अब तक हमें पकड़ने के लिए है, देखते हैं सर कितने एपिसोड्स लगेंगे उन्हें पकड़ने के लिए। बट अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ पोकेमोन ओमेगा रूबी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।